Hello everyone and welcome to Sleepy Classes. In today's lecture of Quick Revision Series, हम एक और बिल का एनालिसिस करेंगे एंड उसकी वेरियस डिटेल्स एक्सेट्रा को जानने की कोशिश करेंगे. द बिल दैट वी विल बी डीलिंग विद टुडे इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट गिवन द नंबर ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल्स जो कि रिसेंट इंडिया के इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल हिस्ट्री में बढ़ते जा रहे हैं. एंड जैसे कि आप सबको पता होगा, NCRB इन फैक्ट लिस्ट्स इकोनॉमिक ऑफेंसेज एज अ सेपरेट कैटेगरी in the list of criminal offenses. ठीक है, so dealing with these economic offenses and dealing with the people जो कि economic offenses में indulge करते हैं, उनके लिए ये bill बनाया गया है, which is your Fugitive Economic Offenders Bill 2018. Right, so let's see कि ये bill किस तरह से, क्या इसके main provisions है, क्या क्या चीज़ों से ये deal करता है. Right, now the Fugitive Economic Offenders Bill, as the name makes it very clear, deals with economic offenses. ठीक है, और ओके, इकोनॉमिक ऑफेंसेस बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, बट मेन जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं कौन से होते हैं? दीज आर ऑफेंसेस लाइक फ्रॉड, काउंटरफीटिंग. राइट, काउंटरफीटिंग जहाँ नकली पैसा बनाते हैं, ठीक है, नकली करेंसी बनाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन. ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस. करेंटली अब क्या है, करेंटली जिस तरह से बहुत सारे एरियाज में भी इंडिया की मेन प्रॉब्लम है, वो क्या है कि ये अब इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस से डील करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल लॉज हैं एंड मल्टीपल लॉज के अंदर मल्टीपल प्रोविजंस है जो कि इन ऑफेंसेस को पिनलाइज करती हैं. राइट, अब कौन कौन सी डिफरेंट लॉज है जो हमारे पास अभी करंटली अवेलेबल हैं? एक है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, राइट, जो कि बेसिकली डील करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और इसको प्रोहिबिट करता है एंड इसके साथ जितने भी ऑफेंसेज होंगे उनके साथ डील करता है. द नेक्स्ट इज योर बेनामी प्रॉपर्टीज ट्रांजैक्शन एक्ट ऑफ 1988, जो बेसिकली बेनामी ट्रांजैक्शंस को प्रोहिबिट करता है एंड डील्स विद द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द सेम. लास्ट एंड द मोस्ट रिसेंट इज एक्चुअली योर कंपनीज एक्ट 2013, और ये क्या करता है, ये पनिश करता है फ्रॉड. राइट, फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेट फ्रॉड एक्सेट्रा बहुत हो सकता है. रिसेंटली आप सुन रहे होंगे आपके भूषण स्टील को लेके, राइट, नीरज सिंगल एंड कॉर्पोरेट फ्रॉड एक्सेट्रा, अनलॉफुल एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स. राइट, ये सब क्या है, इन सबको के साथ कौन डील कर रहा है? आपका कंपनी लॉ डील कर रहा है. इनके अलावा, इन मेन लॉज के अलावा भी बहुत सारे और लॉज है. फॉर एग्जाम्पल द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973, जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस सच एज फॉर्जरी एंड चीटिंग के साथ ये लॉज जो हैं वो डील करते हैं. ठीक है, मूविंग ऑन. अब 2017 में क्या हुआ, 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक ड्राफ्ट बिल निकाला जहाँ पे दे रियलाइज की जो हाई वैल्यू इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है इनके साथ डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया. सो यू ऑल नो ऑफ द kind of turmoil that the country has seen with regard to Sahara, with regard to say usse pehle Satyam, uske baad abhi Kingfisher, etc. theek hai, and people like Malia who've been आपके विलफुल डिफॉल्टर्स, पीपल लाइक नीरव मोदी, राइट, चोकसी, मेहुल चोकसी. ठीक है, ये सब क्या है, ये हाई वैल्यू इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं. ठीक है, जिन्होंने काफ़ी बड़े उस पर एक वो इकोनॉमिक ऑफेंस किया है एंड साथ ही में बिकॉज दे हैव पावर, दे हैव अ ह्यूज मनी बेस एक्सेट्रा, उसके कारण दे कैन फ्ली द कंट्री एंड एंड अप अवॉइडिंग प्रोसिक्यूशन. ठीक है, अब इस सबको अवॉइड करने के लिए कि ताकि जो ये ऑफेंस करते हैं दे कैन बी ब्रॉट टू जस्टिस, ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए ये इस बिल की बहुत ज़रूरत पड़ी थी. ठीक है, सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक फास्ट एंड इफेक्टिव फ्रेमवर्क हम डील बनाते हैं जो कि इन इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के साथ एकदम क्विकली डील करेगा बिफोर दे कैन एस्केप द लॉज एंड द हैंड ऑफ जस्टिस. ठीक है, अब की फीचर्स क्या हैं इस बिल के? पहली चीज़ तो ये डिफाइन करता है कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है कौन. ठीक है, अब ये जो बिल हम बना रहे हैं कि FEO एट द एंड ऑफ द डे है कौन. FEO ये बोलते हैं एक ऐसा इंसान है जिसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जो है इशू कर दिया गया है क्योंकि उसने एक इकोनॉमिक ऑफेंस कमिट किया. और ये इकोनॉमिक ऑफेंस कौन से? ये ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस है जो कि इस बिल के शेड्यूल में लिस्ट आउट किए गए हैं. ठीक है, सो ऑलरेडी लिस्टेड आउट ऑफेंसेस हैं, उनमें से जो भी ये काम करता है और उस काम के कारण उसके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट जारी हो जाता है, उस इंसान को आप FEO बुलाएंगे. ठीक है, साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो वैल्यू है ऐसे ऑफेंस की एटलीस्ट ₹100 करोड़ होनी चाहिए. ठीक है, सो हम हाई वैल्यू इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं तो इसलिए उन्होंने उनकी लिमिट क्या रखी है कि एटलीस्ट 100 करोड़ का उन्होंने ये प्रॉब्लम की होनी चाहिए तो वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बनेंगे. फर्दर,
जो ये इंसान है ही मस्ट हैव लेफ्ट द कंट्री, ठीक है, कि ये दूसरे देश भाग चुके हैं एंड मना कर रहे हैं कि वापस नहीं आएंगे. क्यों? ताकि वो प्रोसिक्यूट ना किए जा सके. सो वेरी इंपॉर्टेंटली, जिस तरह से हमने माल्या के साथ देखा गया, उनके हम यूके के से कितना बोल रहे एक्सट्रेडिशन करने को नीरव मोदी एक्सेट्रा, ठीक है. सो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए बुलाया गया है कि ये लोग जो कि देश छोड़ के चले जाते हैं ताकि उन्हें प्रोसिक्यूट ना किया जा सके, ठीक है, इनको फिर भी टू ब्रिंग देम एट जस्टिस, इन सब इनके लिए ये बिल बनाया गया है. अब इस बिल के अंदर 55 इकोनॉमिक ऑफेंसेस है जो कि इसके शेड्यूल में लिस्टेड है. एंड इसके अंदर कौन कौन से, आप काउंटरफीट करते हैं गवर्नमेंट की स्टैम्प्स या करेंसी, डिसऑनर करते हैं चेक्स को, बेनावी ट्रांजैक्शंस में इंडल्ज करते हैं, ट्रांजैक्शंस डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स हैं, टैक्स इवेजन है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है. ये सारे के सारे जो भी ऑफेंसेज हैं, ये सारे इन 55 के जो लिस्ट है शेड्यूल की, ये सब उसमें इंक्लूडेड है. नेक्स्ट, अब ये बोलते हैं कि इस एक इंसान को अगर आपने एफईओ डिक्लेयर करना है वो कैसे करना है. अगर आपने एक इंसान को एफईओ डिक्लेयर करना है, आपको पहले एक एप्लीकेशन जारी करनी पड़ेगी जो कि फाइल होगी एक स्पेशल कोर्ट में. और ये जो स्पेशल कोर्ट है ये क्या है, ये स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेट किया गया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. तो प्लीज ये याद रखिए कि एफईओ बिल के अंडर भी जो इंसान एफईओ करार किया जाएगा, ठीक है, उसको उसकी उसके लिए आपने एप्लीकेशन फाइल कहाँ करनी है, एक स्पेशल कोर्ट में. और इस स्पेशल कोर्ट किस एक्ट के अंदर है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर, ठीक है. और इसके अंदर बेसिकली आपने सारी डिटेल्स जमा कर देनी है ऑफ द प्रॉपर्टीज जो कि कॉन्फिस्केट कर लेनी है, कोई और इन्फॉर्मेशन उस इंसान की कि वो कहाँ पे है अभी एक्सेट्रा उसके बारे में. साथ ही में जो स्पेशल कोर्ट है इनको ज़रूरत होगी कि ये जो इंसान है ये अपियर करें एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एटलीस्ट 6 हफ्ते पहले फ्रॉम द नोटिस ऑफ द इशू, ठीक है. अगर इंसान द पर्सन शोज अप जिसको आपने एफईओ करार करना है, अगर तो वो इंसान आ गया तो वेरी गुड, तो उसके अगेंस्ट जो ये प्रोसीडिंग जारी की गई थी ये टर्मिनेट कर दी जाएगी और रेगुलर प्रोसिक्यूशन भी है. अगर वो नहीं आया तो उसको एफईओ डिक्लेयर करने के जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा. अभी जो बिल है ये अलाउ करता है अथॉरिटीज को प्रोविजनली कि जो अक्यूज है उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आप उनको अटैच कर दो जब जो एप्लीकेशन है पेंडिंग है बिटवीन बिफोर द स्पेशल कोर्ट, ठीक है. जब एक बार स्पेशल कोर्ट के आगे भी सारी प्रोसीडिंग्स हो गई और आपको एफईओ एक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया, जो प्रॉपर्टीज है उस इंसान की वो कॉन्फिस्केट की जा सकती हैं एंड उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है रखा जाएगा फ्री ऑफ इनकम्बरेंसेस. मतलब जितने भी राइट्स एंड क्लेम्स जुड़े हैं उस प्रॉपर्टी के साथ वो सब खत्म हो जाएंगे और ये एग्जैक्ट पूरी इन कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी. साथ ही में जो एफईओ है या कोई भी कंपनी उसके साथ जो एसोसिएटेड है उसको बार किया जा सकता है फ्रॉम फाइलिंग और डिफेंडिंग एनी सिविल क्लेम्स जो कि उन प्रॉपर्टीज के साथ जुड़े हैं, ठीक है. मूविंग ऑन, अब अथॉरिटीज कौन सी हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होंगी. जो अथॉरिटीज हमने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंडर बनाई हैं, वही एक्सरसाइज करेंगी पावर्स गिवन टू देम अंडर दिस बिल एज वेल. ये जो पावर्स है ये सिमिलर होंगी टू दोज ऑफ सिविल कोर्ट, जैसे जिसके अंदर यू कैन सर्च द पर्सन इन पोजेशन ऑफ रिकॉर्ड या प्रोसीड ऑफ द क्राइम. साथ ही में आप उनके जो प्रिमाइसेज है उनको सर्च कर सकते हो, ठीक है, ऑन द बिलीफ के जो इंसान है एक एफईओ है, और सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. अब क्या की इश्यूज या एनालिसिस आगे आते हैं इस बिल के बारे में, ठीक है. पहली चीज है कि अगर तो आपने बार कर दिया, जैसे कि हमने देखा था जो उनकी प्रॉपर्टीज है एक बार अटैच कर ली गई, ठीक है, और वेस्ट कर ली गई सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो आपने क्या कर दिया, जितने सिविल क्लेम्स जितने राइट्स उसके साथ थे जुड़े वो सब पे आपने रोक लगा दी, ठीक है. अगर आपने बार कर दिया एक इंसान को फ्रॉम फाइलिंग और डिफेंडिंग सिविल क्लेम्स, ठीक है, उससे क्या होगा, इट मे एंड अप एक्चुअली वायलेटिंग आर्टिकल 2, ठीक है. अब आर्टिकल 2 क्या है, वो बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो क्लॉज 14 है इस बिल के अंदर, उसके अंदर क्या बोला गया है कि कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है बार कर सकता है किसी भी एफईओ को फाइल करने से या डिफेंड करने से कोई भी सिविल क्लेम बिफोर दैट ट्रिब्यूनल और कोर्ट. साथ ही साथ में ये भी बोला गया है कि जो बिल है कोर्ट्स को बार करता है कि कोई भी कंपनी अगर इस एफईओ के साथ जुड़ी है तो वो भी फाइल या डिफेंड नहीं कर सकती कोई भी सिविल सिविल क्लेम, ठीक है.
साथ ही में इट कैन ऑल्सो ये कब लागू होगा, अगर जो प्रमोटर है कंपनी का या जो की मैनेजरियल पर्सनल है सच एज मैनेजर और एसईओ या जो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है उनमें से कोई भी एक एफईओ हो. ठीक है, इट मे बी आर्ग्यूड कि ऐसा के जो यहाँ पे सॉरी मिस्टेक है, ये जो वायलेशन है या आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है. ठीक है, जो आपका राइट टू लाइफ है. ठीक है, तो ये वायलेट कर सकता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, कि आप जो उनके लेजिटिमेट क्लेम्स हैं, ठीक है, जो आर्टिकल 21 में उनका राइट टू लाइफ का एक पूरा मैंडेट है, ये उसके अगेंस्ट जा रहा है. साथ ही में यूज ऑफ सेल प्रोसीड्स फ्रॉम कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी नॉट स्पेसिफाइड. अब आपने प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट ने सीज कर ली, कॉन्फिस्केट कर ली एफईओ से. ठीक है, तो बिल स्पेसिफाई करता है कि एफईओ की जो प्रॉपर्टी है कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी, इसके ऊपर कोई भी राइट्स एंड क्लेम्स जो है उसका कोई भी बर्डन नहीं रहेगा. ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है 90 दिन बाद. हाउएवर जो बिल है ये नहीं स्पेसिफाई करता कि ये प्रॉपर्टीज बेचने के बाद जो पैसा आएगा, जो सेल की प्रोसीड आएंगी, इसको गवर्नमेंट ने किस तरह से पैसा यूज करना है इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है. थर्डली अब वो बोलते हैं कि प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्च जो है उसके अंदर कोई सेफगार्ड नहीं है. तो बिल ने क्या है, बिल बोलता है कि आपको अलाउड है, अथॉरिटीज को अलाउड है सर्च कंडक्ट करना विदाउट सर्च वारंट और विटनेसेस. ठीक है, ये बाकी लॉज से बहुत हटके है, सच एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 विच जो कोई सेफगार्ड्स प्रोवाइड करते हैं. तो बिकॉज यहाँ पे कोई सेफगार्ड्स नहीं है, ये जो सर्च का वो है मैंडेट, ये जो है गलत भी साबित हो सकता है और इसका मिसयूज भी हो सकता है बाय दी अथॉरिटीज. राइट, साथ ही में एंड इंपॉर्टेंटली जो प्रोसीजर्स है बिल अंदर वो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनसे काफी सिमिलर है. ठीक है, तो ये क्या है, ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को अब आप एक नई बॉटल में ही दे रहे हो. ठीक है, तो बिल क्या प्रोवाइड करता है, बिल प्रोवाइड करता है कि प्रोविजनली आप अटैच कर दो प्रॉपर्टीज को, सब्सिक्वेंट कन्फिस्केट कर लो प्रॉपर्टी को अगर जो पर्सन है एफईओ डिक्लेयर हो गया. इट इज ऑलरेडी दिस इज सिमिलर टू आपका सीआरपीसी 1973 जिसके अंदर भी सेम अटैचमेंट ऑन कॉन्फिस्केशन अलाउड है फॉर अब्सकॉन्डर्स. साथ ही में सीआरपीसी के अंदर जो है ये जो अटैच प्रॉपर्टीज है वो रिटर्न भी की जा सकती है अगर जो अब्सकॉन्डर है 2 साल में वापस आ जाता है. इसका मतलब है कि प्रॉपर्टीज फाइनली तभी कन्फिस्केट की जाएंगी जब 2 साल बीत जाएंगे फ्रॉम दी अटैचमेंट. ठीक है, इसके अगेंस्ट जो बिल है वो कहता है कि कॉन्फिस्केट हो जाएंगी प्रॉपर्टीज एक बार फाइनल जब पर्सन डिक्लेयर हो गया एफईओ. इसके बाद देयर इज नो एस्केपिंग इट, वो 2 साल बाद वापस है, 4 साल बाद वापस है, 10 साल बाद वापस है. ठीक है, तो एक बार एफईओ डिक्लेयर कर दिया स्पेशल कोर्ट ने तो आपकी प्रॉपर्टी जो है कॉन्फिस्केट हो जाएगी. मोस्टली जितने भी प्रोसीजर एस्पेक्ट्स है बिल के अंडर एक्सेप्ट 2-3 एक्सेप्शंस को छोड़ के बहुत सिमिलर है टू एग्जिस्टिंग लॉ सच एज सीआरपीसी एंड द पीएमएलए ऑफ 2002. ठीक है, चलिए तो ये आपका मेन एक्सप्लेनेशन था ऑफ द बिल. अब मॉडल क्वेश्चन इससे क्या क्या बनते हैं जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. आप एक आ सकता है क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल 2018, एग्जामिन इफ द सेम हेल्प्स द फर्दर प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस. क्या ये एग्जिस्टिंग लॉ से ऊपर बढ़ चढ़ के किसी तरह के इकोनॉमिक ऑफेंसेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. ठीक है, इसको आपने एग्जामिन करना है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों इसके दोनों देने हैं. सेकेंड मॉडल क्वेश्चन जो आ सकता है इज डिस्पाइट द प्रोग्रेस मेड बाय द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल मेजर इश्यूज जो है अभी भी रिमेन. ठीक है, डिस्कस. ठीक है, सो ये 2 questions हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन ट्राई राइटिंग आंसर्स ऑन द सेम. राइट, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.